सत श्री अकाल जी, एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है तुहाडे अपने चैनल मिस्टर 56 ब्लॉग्स दे विच। ते अज दे ब्लॉग विच आपां पहुँच चुके हैं हेमकुंड साहिब यात्रा दे तीजे पड़ा यानी गुरद्वारा श्री गोविंद धाम विखे। हेमकुंड साहिब यात्रा दे चार पड़ा ने। पहला पड़ा ऋषिकेश, दूजा पड़ा गोविंद घाट, तीजा पड़ा गोविंद धाम, तो चौथा जिहड़ा मुख पड़ा है वह दरबार श्री हेमकुंड साहिब। तो संगत इत्थे गुरद्वारा गोविंद धाम विखे पहुँच के आराम कर दिया ने, मालक के दर के दर्शन कर दिया ने, ते लंगर पानी छकदियां ने। बड़ा सुचज्जा जिहड़ा प्रबंध है इस गुरु घर विच कीता होया, क्योंकि गुरद्वारा गोबिंद घाट साहिब तो गोबिंद धाम की यात्रा जिहड़ी पैदल यात्रा तकरीबन 13 किलोमीटर जी चढ़ाई है। तो संगत काफ़ी थक हार जांदियां ने। तो इत्थे बड़ा वधिया प्रबंध कीता है, बहुत सुचज्जा जिहड़ा प्रबंध इस गुरु घर दे विच है। बहुत सारे वीर इत्थे आके सेवा करदे ने, जिवें तुसीं देख सकदे हो कि इन्हां वीरां वल्लों निष्काम सेवा जिहड़ी लत्तां घुटण दी, मालिश दी, ते मैडिसिन वगैरह दी कीती जांदी है। धन ने ये वीर जिहड़े पता नहीं कित्थों कित्थों आ के इत्थे सेवा करदे ने, ते उन्हां दी इदां मालिश करके ते उन्हां दी लत्तां वगैरह घुट के ते उन्हां नूं मैडिसिन दे के उन्हां नूं तरोताज़ा कर देंगे, नौ बर नौ कर देंगे ने। तो मालक इन्हां दी सेवा भी सफला करे, इन्हां दी सेवा नूं भाग लावे। यानी ये कहण तो बाहर है जिहड़ी सेवा ये लोग कर रहे हैं, जिहड़ी संगत सेवा कर रही है, जिहड़ी संगत चल के आई है वह भी भागां वाली है, जिहड़ी संगत ये सेवा कर रही है ये भी भागां वाले ने। तो गुरु घर का बहुत अच्छा माहौल है, बड़ा वधिया प्रबंध इस गुरु घर में हर चीज़ का किया गया, चाहे वह लंगर पानी है, चाहे रहण की व्यवस्था है, यानी हर चीज़ बड़े सुचे ढंग इस गुरु घर की गई है। संगत इत्थे आके फ्रैश होंदियां ने, गुरु घर आराम करदियां ने, रात का स्टे करदियां ने। तो उस तो बाद फिर सवेरे सजरे इत्थों संगत रवानगी पाउंदियां ने हेमकुंड साहिब वल। आओ आपां भी दरबार साहिब गुरद्वारा गोविंद धाम साहिब के नाल नाल ना काफ़ी वधिया एक बाज़ार बनया है, पूरी मार्केट है जिथे थानूं थोड़ी जरूरत की हर वस्तु मिल जाती है। काफ़ी वधिया इत्थे होटल बने ने, रेस्टोरेंट बने हुए ने, ढाबे ने जिथे तुसीं पेट पूजा कर सकते हो। तो जिहदी जेब अलाओ करती है तां उन्हां वास्ते इत्थे रहण वास्ते कमरे भी काफ़ी अच्छे बने हुए ने, जिन्हां दा रेंट तकरीबन 3,000 तो लैके 5 या 6,000 तक पर रूम जिहड़ा रेंट वन डे इत्थे तुहानूं कमरा मिल जांदा है। तो काफ़ी वधिया बाज़ार है, थोड़ा जिहा तुहानूं महंगा लग सकता है, बट जिद्दां दे हालातां विच लोग सरवाइव कर रहे ने ते इत्थे अपना काम धंधा चला रहे ने, उस हिसाब नाल ठीक भी है, क्योंकि इन्हां दा बेचारियां दा सीजन भी बस 4 या 5 महीनों का ही हुंदा है, ते बाकी सारा साल यह बाज़ार बेरौनका रहिंदा, बंद रहिंदा है। ते जे तुसीं इत्थे मान लो पेट पूजा करनी है, वैसे तो लंगर बहुत वधिया तरीके नाल साफ सुथरा तुहानूं लंगर अंदर गुरु घर दे विच जिहड़ा मिल जांदा छकण दे लई। ते जे वैसे तुसीं मान लो ग्रुप च आए हो ते आउटिंग करनी चाहुंदे हो, कोई बाहर चटपटा खाना चाहुंदे हो, तां उहदे लई मार्केट च हर तरहां दा इत्थे बंदोबस्त है। जिवें आ सामणे बिल्कुल गुरुद्वारा साहिब दे बाहर इत्थे आ स्टॉल लग्गिया होया, दुकान बनी हुई है, इत्थे गर्मा गर्म दुध जलेबी वगैरह मिल जाती है, समोसे हर चीज़ यानी इत्थे अवेलेबल है। जे तुसीं
गर्म कपड़े लेना चाहो तो वह भी मिल जाते हैं रस्ते के लिए, बिस्किट या कोई होर हल्का फुल्का कोई स्नैक्स तुम लेने चाहो तो सारा रस्ते के लिए थोड़ा मिल जाते हैं। थोड़ा जहा कॉस्टली है बट थोड़ा एडजस्ट करना पैंता। बाकी हुण आपां अगे सवेरे साजरे चाले पावांगे हेमकुंड साहब वालों। अगले ब्लॉग च मिलते हैं आपां, हुण यात्रा करते हैं गोबिंद धाम तो दरबार श्री हेमकुंड साहब तक की। तो जिन्हां नूं ब्लॉग वधिया लग्या हो प्लीज़ लाइक शेयर तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर दिओ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक रब रखा।